हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। इस लेसन में आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देख लेते हैं फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड। आपके जो भी टॉपिक्स है सिविक्स के, हमने ऑलमोस्ट जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, एक दो टॉपिक्स को छोड़कर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे यहाँ पर, और फिर जो है लेवल वन, लेवल टू, लेवल थ्री करके स्टार्ट करेंगे। उसके अलावा जो आपका ज्योग्राफी का, जिन जिन बच्चों ने जो एनरोल किया हुआ है, जो भी एक तो टॉप 10 स्टूडेंट है, उनके अलावा कुछ स्टूडेंट जो है जिन्होंने एनरोल किए हैं, तो उनकी क्लासेस जो है आज से जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो वो लेक्चर जो है आपको लिंक जो है उनके मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। तो मैं थोड़ा सा जो है बोल देता हूँ फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज के बारे में, ठीक है, तो थोड़ा सा ताकि आपको रिवाइज हो जाए, क्योंकि हमने इनकी थ्योरी जो है वो तो कर ली है, इनकी थ्योरी जो हमने पहले ही कर ली है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल जो है वो 6 फंडामेंटल राइट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, जिनमें राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कल्चर एंड एजुकेशन राइट्स है, और राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है। तो ये राइट जो है आर्टिकल 14 से लेके 32 तक रहते हैं, और फिर हमारे पास जो है कुछ जो है इनकी कंक्लूजन रहते हैं बाद में। तो अब यहाँ पर अब क्वेश्चन हमारे पास जो आ रहा है, पहला हमारे पास ये फंडामेंटल ड्यूटीज से रिलेटेड है, याद रखेंगे ड्यूटीज है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो इंक्लूड की गई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। किस अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है वो यहाँ पर जो है वो इंक्लूड की गई है? तो ऑप्शन बताइए, 40 अमेंडमेंट एक्ट है, 44 है, 43 है, 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो सही आंसर जो होगा आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट है। देखो, जो नोट्सों से मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ था, अपने जो मेरे नोट्स थे वो मेरे शायद कुछ डिलीट हो गए हैं या मिल नहीं रहे, कुछ फाइल करप्ट हो गई है, क्या हो गया है, तो उसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन थे बहुत, मैं उनको रिकवर करने की कोशिश करूंगा, बट अगर डिलीट हो गए होंगे तो फिर हो नहीं पाएंगे। तो आपके पास जो है वीडियोस तो अवेलेबल है ही, आप वहां से जो रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है, द फंडामेंटल ड्यूटीज आर मेंशन्ड इन द डैश डैश ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब यहाँ पर देख लीजिए, हम ट्रिकी सा क्वेश्चन है, कहीं गलती हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर पार्ट 4 ए भी लिखा हुआ है, पार्ट 4 भी है, तो फंडामेंटल जो ड्यूटीज है वो पार्ट 4 ए में होगा। फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो किस में होते हैं? वो हमारे पार्ट 3 में होंगे। तो आपका सही आंसर जो होगा वो पार्ट 4 ए होगा। उम्मीद है कि आपने ये ठीक कर लिया होगा, बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो ये जो आपने टेस्ट दिया था, जिसको भी अपने मार्क्स नहीं मिले हैं तो मैं दोबारा ईमेल कर दूंगा सभी को जो है, शायद कुछ बच्चों ने बाद में अटेम्प्ट किया होगा, ईमेल सारों को भेज दी थी, उसके बाद किसी ने वो वीडियो देखी होगी तो उसमें से उन्होंने अटेम्प्ट किया होगा। ठीक है, तो इसको अवॉइड कर लेते हैं अभी। चलिए अगला दो है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन फंडामेंटल ड्यूटीज। तो वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि, ठीक है, विच कंटेन द फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बताइए इसका आंसर जो है वो क्या होने वाला है। तो सही आंसर क्या होगा? तो आर्टिकल 51A, ठीक है, तो आर्टिकल 51A जो है इट कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है सिटीजंस की, वो किस में मेंशन की गई है? आर्टिकल 51A में जो है वो मेंशन की गई है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंडामेंटल ड्यूटीज। दिए गए हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इसमें से पूछा गया कि कौन सी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज में क्या है कि हम जानते हैं कि हमारे भी कुछ फर्ज बनते हैं, हमारे भी कुछ ड्यूटीज है, ठीक है, जो हमको खुद जो है वो निभानी पड़ती है। ठीक है, तो इसमें जो है पहली कि सेफ गार्डिंग द पब्लिक प्रॉपर्टी, कि हम पब्लिक प्रॉपर्टी को जो है वो नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, उसकी हिफाजत करते रहेंगे। प्रोटेक्टिंग द सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी एंड यूनिटी ऑफ इंडिया। फिर है डेवलपिंग साइंटिफिक टेंपर एंड द ह्यूमेनिज्म, एंड डी ऑल ऑफ द अबो। तो सही आंसर जो होगा ऑल ऑफ द अबो होगा, ये सारी की सारी जो होगी वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 5 है, Which of the following committee suggested the incorporating of the fundamental duties in the Indian Constitution? तो कौन सी वो कमेटी है, मैंने सब कमेटीज के बारे में आपको बताया हुआ है कि वो कौन सी कमेटी है that suggested the
incorporating of the fundamental duties in the Indian Constitution. Malhotra Committee, Raghavan Committee, Sarvan Singh Committee या Narasimha Committee. तो fundamental duties जो थी, they are incorporated in the Indian Constitution. किस एक्ट के तहत? 42nd Amendment Act हुआ था, जो कि 1976 में था. तो upon the recommendation of the Sarvan Singh Committee, तो याद रखेंगे, fundamental duties जो है, वो किससे related होगा? Sarvan Singh Committee से. Question number 6 है, which of the following articles of the Indian Constitution contain the right to the religious freedom? तो वो कौन सा हमारे पास जो है वो article है Indian Constitution का, जिसमें बात की गई है right of religious freedom. तो आप बताइए कौन सा वो article है. तो हम right to equality की अगर बात करेंगे, article 14 से 18 है. Right to freedom की बात करेंगे, 19 से 22 है. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात करेंगे, तो आर्टिकल 23 से 24 है. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की अगर मैं बात करता हूं, तो वो आर्टिकल 25 से 28 है. तो सही आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 6 का आर्टिकल 25 टू 28 होने वाला है, जो कि हिंदुस्तान के आईन का है, जो कि किससे डील करता है, राइट टू द रिलीजियस फ्रीडम. क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास जो है क्वेश्चन 7 जो है वो आ गया था. क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं. विच ऑफ द फ्लोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ द इंडिया. तो मैंने अभी बात की राइट टू इक्वलिटी की बात की गई है आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 के बीच में, और इसमें जो है हमारे पास जो है जो बोला गया है यहाँ पर इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर द लॉ. तो ये हमारे पास बात की गई है आर्टिकल 14 में, ऑप्शन बी होगा. आर्टिकल 14 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इट गारंटीज द इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरीज ऑफ द इंडिया. बहुत अच्छे से हमने इन सारी चीजों को कवर किया हुआ है. आप बेसिक लेक्चर्स जाके जरूर देखें, डायरेक्टली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कोई भी ना पढ़े. क्वेश्चन नंबर जो है वो 8 है. विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिश द अनटचेबिलिटी. तो बताइए सही आंसर क्या होगा, कि वो कौन सा आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो कि किसमें किसकी बात करता है, एबॉलिश द अनटचेबिलिटी. तो सही आंसर जो है वो क्या होगा इसका, तो यहां पर हमने बात की गई है, ये भी इक्वालिटी में ही आता है, और इसका सही आंसर आर्टिकल 17 होगा. आर्टिकल 17 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये बात करता है टू एबॉलिश द अनटचेबिलिटी. इट स्टेट दैट अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश्ड एंड इट्स प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन. द एनफोर्समेंट ऑफ एनी डिसेबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ द अनटचेबिलिटी शुड बी ऑफेंस पनिशेबल इन अकॉर्डेंस विद द लॉ. तो सही में आंसर आर्टिकल 17 है. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बात की गई है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन से रिलेटेड जो है वो क्या चीज इनकरेक्ट है. सबसे पहले मैं बात करूंगा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन जो है वो किस आर्टिकल में बात की गई है. आर्टिकल 23 से 24 के बीच में जो है वो बात की गई है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन. इस राइट में क्या बात की गई है, द राइट इंप्लाइज अ प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग बेगर एंड अदर फॉर्म्स ऑफ द फोर्स्ड लेबर. आप किसी से भी जो है फोर्स्ड लेबर नहीं करवा सकते, आप जो है बेगर बेगिंग नहीं करवा सकते किसी से भी, ठीक है. प्रोहिबिशन ऑफ द चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, इनकी बात की गई है कि 14 ईयर से जो कम होंगे उन्हें आप जो है एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं, ठीक है. इन हैजार्डस कंडीशन, उसमें भी कुछ जो है वो पैरामीटर्स हैं जो कि हम पढ़ चुके हैं. तो यहाँ पर पहला है ऑप्शन हम ए पढ़ेंगे. ऑप्शन ए में बात की गई प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. बिल्कुल ये बात की गई है कि प्रोहिबिशन होगा किसका, ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर. फिर हमारे पास बात की गई है
फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, ऐसी बात नहीं है। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये नहीं है। तो सही में आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 9 का ए होना चाहिए। होपफुली आप जो है वो अंडरस्टैंड कर गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल राइट्स आर प्रोवाइडेड। फंडामेंटल राइट जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में प्रोवाइड किए गए हैं, तो सही में वो कौन सा पार्ट है, तो पार्ट थर्ड में जो है फंडामेंटल राइट्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन वाज मेंशन इन द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस वीडियो में जो है हमने इतने ही जो है टॉपिक्स पढ़ने थे। अब मैं आपको बता देता हूँ जो जो स्टूडेंट्स एनरोल है, देखिए हम कैसे पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपके पास वीडियोस आएगी आपकी, वो हमारी जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पे आएगी। फिर हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दो पार्ट रहेंगे, नेशनल पार्क के भी जो है ये रहेगा। इसके बाद हम पढ़ेंगे रूट्स वाला पार्ट, ठीक है। फिर हम पढ़ने वाले हैं चेंज ऑफ सीजन्स के बारे में। फिर हम सोलर सिस्टम फिज के जो है पार्ट्स रहेंगे। फिर कंजर्वेशन ऑफ द फॉरेस्ट से पहले हम फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ द फॉरेस्ट पढ़ेंगे विद जम्मू एंड कश्मीर। फिर हम उसकी कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आपको साथ साथ जो है बताया जाएगा जो भी लेक्चर्स होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है हमने ये कर लिया। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो डू शेयर विद अवर योर फ्रेंड्स एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द होम अकेडमी चैनल। और यहाँ पर हमारा टेलीग्राम है, हमारा फेसबुक पेज है, इंस्टाग्राम है, इन सोशल मीडियाज को जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश गुड लक।